नमस्कार दोस्तों, अभी देख रहे हो मैं आया हूँ भाई के पास में और इतना प्यार मोहब्बत से रखते हैं कि इनकी एक आवाज़ पे सारी बकरियाँ बोल उठती है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है क्योंकि देखिए जो किसान होता है वो बेहतरीन तरीके से बहुत ही अपने चाव और प्रेम से जो है इनको रखता है। तो देखिए एक आवाज़ पे बकरियाँ कैसे बोलती है इनकी आवाज़ पे। नमस्ते भाई। नमस्कार नमस्कार जी भैया, आप इतने मैंने देखा कि बहुत जैसे आप एक आवाज़ देते हो तो सारी बकरियां एक साथ बोल उठती हैं, तो क्या इतना क्या प्रेम से ऐसे रखते हो यार? पहचानती है जो ग्वाल चराते हैं ना, उनको पहचानती है। तो इतना प्यार होता है एक ग्वाल को बकरियों से और मतलब इतने प्रेम से रखते हो, तो एक आवाज़ में एक आवाज़ दीजिए ताकि बकरियां बोलती हुई नजर आए। देख लीजिए भाई, वापस देना एक और आवाज़। देखो 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 दोस्तों, जैसे ही ये आवाज़ देंगे इनके भाषा में तो ये अपने आप जैसे एक जुबान नहीं है। देखो भेड़ भी देखो किस तरह बोलती है। देखो देखो दोस्तों, इनका जो है ये बोलने का तरीका, इनका जुबान नहीं है भाई, और बाकी हर तरह से जैसे बोलती है, हर तरह से अलग अलग आवाज़ है। वो मैं ही पहचानता हूँ और बकरी पहचानती है इसी आवाज़ में। अच्छा, कई लोगों को तो ये पता नहीं है कि बकरी को किस तरीके से बुलाना चाहिए। ऐसा ये आवाज हमारी पहचान थी यार। देखो इनके जुबान नहीं है फिर भी एक आवाज में, जैसे अपने बेटे को वो भी नहीं सुनता है। वो समझदार बकरी है ना, इसलिए हाँ। वो लेकिन मैं देख रहा हूँ जानवर होते हुए भी आपकी एक आवाज पे बोल उठती है यार, जान देती है आप पे। एक बार फिर मैं दिखा दूँ आप लोगों को किस तरह ये आवाज देंगे, और बकरियाँ देखो मतलब जो है आवाज पे बोलेगी। देना भाई एक बार आवाज। अरे ये देखो देखो दोस्तों, अरे देखो दोस्तों, तो एक बार उधर बुलाइए, बुलाने पे भी आ जाएगी ना भेड़। और ये देखो दोस्तों, ये जैसे ही चलेंगे तो इनके पीछे पीछे आ जाएगी। ये देखो अपने आप देखो भेड़ भी, बकरियां भी, ये देखो वो रवाना हो गई। ये देखिए ये होता है असली प्रेम। देखो दोस्तों, लाइव आपको बता दूँ, ये देखो ये आ गई, ये देखो सारी की सारी बकरियां आ गई दोस्तों। मतलब आपकी एक आवाज़ पे ये मतलब बाहर रहती हैं तो बहुत ज़बरदस्त ये समझने को, पास में आ जाती है कभी भी, और पास में आ जाती है। तो एक चाह होती है दिल में मालिक और पशुओं के बीच में, तो कैसे इनको अलग अलग जैसे आवाज दे के कोई तकलीफ में हो तो आपको पता लग जाता है खाने के लिए, या इनको मालूम है कि जो पानी पिलाएगा या चराने के लिए जाएगा, बोलती उसी टाइम पे। मतलब एक फिक्स टाइम भी इनका होता है कि भाई अब चलना, घर चलना, या फिर मतलब अपने आप रवाना हो जाती है भाई, पानी पिलाना इनको अपने आप। तो आप चक जाते, ये नहीं चकती है मतलब, ये सारी बकरियां साथ में आ जाती। तो मतलब ये आपको आवाज़ देने लग जाती है कि भाई अब हमें पानी पिलाओ, अब हमें जैसे कि हमें चारा खाना है, हमें घर चलना है अपने आप। मतलब एक जुबान नहीं है और बाकी सब अपने अपनी भाषा में ही बोल देती है ये, बोलने पर फिर आपको भी पता चल जाता है भाई कि भाई क्या कहना चाह रही है। प्रॉब्लम है इनको है। कभी ऐसा हुआ जैसे कुछ जानवर जंगल में आ जाता है और फिर ये जैसे आता है तो फिर ये कैसे आवाज कर लेती है आपको अपने आप? आप ये जो जानवर दिखता है ना जंगली जानवर, तो अपने आप मालिक के पास आ जाती है दौड़ के। अरे भाई, मतलब इनको पता है कि भाई अपन को ये बचा सकते हैं, इनका एक जो है प्यार है, भरोसा है कहीं ना कहीं, वो भी आप पे टिका, विश्वास वाली बात होती है। बहुत अच्छा यार, मतलब जो है एक पशु प्रेमी और पशु भी इतना ही जैसे चाह रखते हैं कि दोस्तों एक आवाज़ पे बकरियां आ जाती है, कुछ भी हो तो इनको, और कुछ तकलीफ जैसे कभी कभार बच्चा होता है इनके तो वो भी आवाज़ देने लग जाती है, ऐसा भी वो अपने आप ही आवाज़ पहचान लेते हो आप? वो दबी वो आवाज़ देती है, भूखती की आवाज़ अलग होती है, और जो कीड़े की पीड़ होती है उनकी आवाज़ अलग होती है। कोई पशु आ गया उस टाइम में आवाज़ अलग होती है, मतलब उसको एक आप ही मतलब समझ सकते हो, हर किसी के बस की बात नहीं। मैंने यार देखा कि जैसे कई बार जंगल में कि भाई कुछ ना कुछ जानवर आ गया बकरियों में, तो जो असली जो चरावा होता है वो एकदम से पहचान कर लेता है कि भाई ये इस कारण बोली है। हाँ,
वो तो पहचान हमारे लोग जो गवार लोग है ना बकरी चराते हैं उनको ही पहचान पड़ेगी, जो गाँव पहचान नहीं पड़े कैसे बोलेगी है क्या पानी की तिस लगी है। तो मतलब सारा सिस्टमेटिक ढंग से आप ये आपकी भाषा समझ सकती है। लगभग लगभग 4-6 महीने 12 महीने अगर कोई आदमी रुचि लेते हैं ना तो अपना आप समझ में आ जाए। अच्छा ये कोई ट्रेनिंग की वो बात नहीं है, ये है लगाव की बात। ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, रुचि लेनी चाहिए, रुचि और अपनापन होना चाहिए, जानना अपनापन होना चाहिए कि अपन को आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है कैसे नहीं बढ़ना है। अपनापन बहुत जरूरी है, इंसान हो या जानवर। पर ये तो यार इंसानों भी ज़्यादा समझदार बकरियाँ और भेड़ है आपकी। आजकल देखा जाता है कि इंसान भी बात नहीं मानता, लेकिन ये तो बहुत मतलब हाँ मानती है बात तो भूखी पीसी रह जाती है, लेकिन ग्वाल को छोड़ के नहीं जाती। अच्छा आपको छोड़ के नहीं जाएगी, आप जब तक रवाना जैसे घर के लिए शाम हो गई और आप रवाना हो गए तो मतलब ये आपको छोड़ के नहीं जाएगी।